Hello everyone, welcome to my channel Flora and Fauna Love. I am Komal and in this video we are going to discuss another important activity for our plant care, that is organic pesticide or organic insecticide that we should use regularly to improve the overall health of our plants. तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमें यूज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि क्यों हमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को चूज करने की जरूरत पड़ी। जब हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उस टाइम पे सिंथेटिक या फिर हम कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज में आने लगे। उनकी वजह से हमारे क्रॉप यील्ड में भी बहुत इजाफा हुआ, बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिलने लगा। लेकिन टाइम के साथ साथ हमें पता चला कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर यूज कर रहे हैं या गार्डनर्स यूज कर रहे हैं उनका रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो हेल्थ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, एनवायरमेंट हेल्थ के लिए भी, और तो और जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। जब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया तो धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को प्रिफर करने लगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम यूज कर सकते हैं जिससे हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स भी मिले और हमारी हेल्थ को या हमारे सॉइल की या एनवायरनमेंट की हेल्थ को भी नुकसान ना पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नीम ऑयल स्प्रे के बारे में। नीम ऑयल यानी कि नीम का तेल। मेरे पास डाबर का है इसलिए मैं ये बॉटल शो कर रही हूँ। आप कोई सी भी ब्रांड या कोई सी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। नीम ऑयल क्यों फायदेमंद है हमारे प्लांट्स पे एज अ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जानेंगे। इसमें एक कंपोनेंट होता है अजैडरेक्टिन, जो कि मेन कंपोनेंट होता है इंसेक्ट्स को रिपेल और किल करने के लिए, यानी कि इंसेक्ट्स और पेस्ट जो लगते हैं हमारे प्लांट में उनको दूर भगाने और मारने के लिए। साथ ही साथ ये फंगस डिजीजेस को भी हटाता है। अजैडरेक्टिन हमारे जो इंसेक्ट्स हैं या जो पेस्ट लग गए हैं हमारे प्लांट में उनके हार्मोनल सिस्टम को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि उनके ग्रोइंग, फीडिंग और ब्रीडिंग एक्टिविटीज में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इस वजह से इंसेक्ट्स या पेस्ट ज़्यादा लगते नहीं हैं, या फिर अगर एक बार लग गए तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं हमारे प्लांट्स पे। नीम ऑयल स्प्रे हमारे सभी प्लांट्स के लिए सूटेबल है, चाहे वो प्लांट्स आउटडोर हों, इंडोर हों, फ्रूट्स के प्लांट्स हों, वेजिटेबल के प्लांट्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स हों, किसी भी तरह के प्लांट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप इसे रेगुलर वे में यूज़ कर रहे हैं तो आप हर 10 डेज में इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है, 1 लीटर वाटर में 1 टीस्पून इसे मिक्स करके शेक कर देना है और अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर देना है। यानी कि 1 लीटर पानी में आपको एक छोटा चम्मच नीम का तेल मिलाना है, उसे अच्छे से हिलाकर स्प्रे बॉटल की मदद से पूरे के पूरे पौधे पे अच्छे से स्प्रे करना है। प्लांट का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। प्लांट का जो स्टेम है या फिर लीव्स हैं, लीव्स के भी बोथ साइड्स, अपर साइड एंड लोअर साइड, सभी पे अच्छे से आपको इसे स्प्रे करना है। ये तो हुई रेगुलर तरह से यूज करने की बात, लेकिन अगर आपके प्लांट पे ऑलरेडी इंसेक्ट लग चुका है तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आप हर 7 डेज में से अपने प्लांट पे स्प्रे कर दें। ये ऑयल सभी जगह पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा हर एक सिटी में, और ये 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, ना तो ये हमारी नेचर के लिए हार्मफुल है, ना ही ह्यूमन बींग्स के लिए और ना ही हमारे एनिमल्स के लिए। अगर आपके घर में पेट्स हैं या फिर लाइव स्टॉक है तो किसी के लिए भी ये हार्मफुल नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे गार्डनिंग करते हैं तो वो भी आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ये जो इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हार्मफुल नहीं है हमारे पौधों के लिए, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे कि जो मधुमक्खियां हैं, बी होती हैं, उनकी पॉपुलेशन आजकल बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। कारण ये है कि जो हम हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स पे, उसी की वजह से मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसकी वजह से हमको हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस नीम ऑयल की मदद से जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के लिए, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नीम ऑयल मिलीबग्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स, जैपनीज बीटल्स, स्पाइडर माइट्स या फिर लीफ हॉपर, सभी तरह के इंसेक्ट्स को रिपेल करने में इफेक्टिव है।
ये हमारे प्लांट की डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ को भी मेंटेन करता है। एनवायरनमेंट की हेल्थ को मेंटेन इस तरह से करता है कि जब ये वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन को डिक्रीज कर देता है तो ऑलरेडी हमारी एनवायरनमेंट की हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। ये हमारे प्लांट्स के लिए हार्मलेस है, अगर कभी गलती से थोड़ी सी ज़्यादा या कम क्वांटिटी में भी स्प्रे हो जाए तो इतना कोई नुकसान नहीं होता और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन। प्लांट फेलियर होने के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं और हमारी जो क्रॉप यील्ड है या फिर जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम हार्वेस्ट करते हैं उसकी यील्ड भी 15-20% तक बढ़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट दैट आप सब लोग भी हर 10 डेज में अपने प्लांट्स पे नीम ऑयल ज़रूर स्प्रे करें। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।